दोस्तों, आज हम बात करते हैं एडिशन। चार टाइप की जो एडिशन होती है एक्सेल में, जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या है दोस्तों? मैनुअली, यानी मैनुअली हम सेल नंबर डालते हैं और उसका एडिशन हमें मिलता है, उसका सब हमें मिलता है। तो पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में दोस्तों हम एक रेंज सिलेक्ट करते हैं सेल्स की, और उस रेंज में जितने भी नंबर्स हैं, अमाउंट है, वो ऐड हो जाता है। उसके बाद में तीसरा नंबर है दोस्तों शॉर्टकट की, यानी कि हमें फास्टर काम करना है, और एक सिर्फ एक की कम्बिनेशन से हमने ऊपर की जो जितनी भी सेल्स हैं उन सभी का सम करना है विद इन ए सेकेंड। ओके दोस्तों, और फोर्थ वन है जो लास्ट है, उसमें कंडीशन लगाएंगे। दोस्तों कंडीशन क्या होती है? जैसे हम रिजल्ट शीट बनाते हैं, या फिर कोई और कंडीशन हम लगाना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि 50 एंड अबोव, 50 से जो अबोव हैं उसका प्लस हो जाए और बाकी का ना हो, तो ये कंडीशन हम इसमें लगा सकते हैं दोस्तों। वो हम फोर्थ पार्ट में करेंगे। तो पहले पार्ट में हम आते हैं दोस्तों। पहले पार्ट में मैनुअली हम फार्मूला दिखाते हैं, जो सिंपलेस्ट फार्मूला है जो लोग यूज करते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें जैसे मैं 70 को छोड़ के बाकी तीनों सेलों का, या फिर 70, 60 एंड 40 का सम करना चाहता हूँ। तो इसमें दोस्तों 70 का सेल नंबर हम इंटर कर लेंगे भाई प्रेसिंग, और फिर कोमा देंगे। फिर सेकंड नंबर B5 का ले लेंगे हम, B5 के बाद में हम थर्ड नंबर लेंगे B6 का। तो B6 से तीनों सेल हमने सेलेक्ट कर ली दोस्तों, जो ऊपर हाईलाइट हो रखी है, तो इनका सम हमारे पास आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ऐसे ही हम, जैसे मैं अभी आपको सेल नंबर चेंज करके दिखा देता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, तो इन दो सेलों का 100 आना चाहिए, तो 100 आपका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, और अभी बात करते हैं हम पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में क्या है दोस्तों? पार्ट 2 में हम रेंज देंगे। रेंज में क्या है दोस्तों? कि हम ये नीचे वाली 3 सेल्स का सम करके आपको दिखाएंगे। 50 को हम छोड़ देंगे, इस रेंज को हम लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए क्या फार्मूला है दोस्तों? इसके लिए फार्मूला है दोस्तों इक्वल टू SUM सम विद इन ब्रैकेट, हम रेंज ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा क्या तरीका है? कि हम मैनुअली सेल नंबर डाल के और कोलन साइन के साथ में लास्ट सेल नंबर डाल सकते हैं E6, और ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, तो ये उस रेंज का आपका सम आ गया दोस्तों। ठीक है, और थर्ड वन में हम चलते हैं दोस्तों। थर्ड वन क्या है? शॉर्टकट। तो शॉर्टकट को जानने की जिज्ञासा किसी की होता है दोस्तों, तो ये शॉर्टकट क्या है इसका? इसका शॉर्टकट है दोस्तों सम करने का। इसमें क्या होगा? इसमें जितनी भी सेल आपके पास ऊपर है दोस्तों, जिसमें अमाउंट या नंबर है कंटिन्यू, वहाँ तक की सेल को वो सम करके आपको दे देगा। तो दोस्तों इसमें क्या है? इसमें सिंपल अर्ट के साथ में हम इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे दोस्तों। ठीक है, दोबारा हम करके दिखाता हूँ, या आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा हो कि अलर्ट को प्रेस करके रखना है और इक्वल टू साइन प्रेस करना है, ये कि आपको ऊपर दिखाई दी होगी ये दोस्तों। ठीक है, आपको दिखाई दिया होगा अलर्ट प्लस इक्वल टू साइन इंटर। ओके, अभी आते हैं पार्ट 4, जो थोड़ा एडवांस हो जाता है इससे। तो इसमें फार्मूला भी थोड़ा अलग लगता है दोस्तों, क्योंकि हमने कंडीशन देनी है। तो इसमें इक्वल टू सम इफ स्टेटमेंट इसमें आ जाती है दोस्तों, यानी कि ये कंडीशन हो तब एग्जीक्यूट हो, ना तो ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है? इसमें हम एक रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं जो मैंने पहले बताया था आपको, और कोमा लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर कोटेशन मार्क में हम कंडीशन डालते हैं दोस्तों, जैसे मैं डालना चाहता हूँ अभी ग्रेटर देन 50, यानी कि 50 से जो ज़्यादा नंबर्स हैं उन्हीं का सम हो यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये कंडीशन हम डाल के देखते हैं, फिर दूसरी कंडीशन पे भी हम देखेंगे दोस्तों। तो 50 से अबोव 2 ही नंबर है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इसको 40 से अबोव डाल लूँगा, तो ये 50 प्लस 50 ये भी एडिशन हो जाएगा और हमें 260 मिल जाएगा। तो मैं इसको 49 ही कर देता हूँ, कि आप कोई भी नंबर नीचे वाला डाल सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। तो ये 260 आपका रिजल्ट आ गया दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार के बहुत से शॉर्टकट वीडियोज हम बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को कंटिन्यू विजिट कर सकते हैं। हमारा
इस पेज को और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हैं, और जिसको भी ऐसे फार्मूले सीखने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियोज आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।